हमेशा नया नया कुछ ना कुछ दिखाता हूँ। आज थोड़ा सा पुराना, काफी पुराना, 1980 का एक VCR, जो कि सिर्फ प्लेयर ही नहीं है, इसमें वीडियो कैसेट रिकॉर्ड भी होता था। ये देखिए, यहाँ लगता है वीडियो कैसेट प्ले करिए या रिकॉर्ड करिए। ये एक पुरानी चीज़ है जिसे मैंने रिस्टोर किया। अब रिस्टोर का वीडियो मैं नहीं बना पाया उस वक्त, यहाँ पे अंदर काफ़ी जंग लगा हुआ था इसमें, तो मेहनत तो काफ़ी लगी इसको थोड़ा सा सफाई वफाई करी, लेकिन पार्ट्स वर्किंग है। क्या है ना, पुराने ज़माने में चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, वही बात है। आजकल तो बिल्ड क्वालिटी चीज़ों में इतनी खास मिलती नहीं है, पहले की हर चीज़ जो है ज़्यादा मजबूत मिलती थी। तो ये मुझे मिला तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। नया तो हर बार दिखाता हूँ, काफ़ी पुरानी चीज़ है, इसको दिखाना तो बनता है, और चल भी रहा है। मज़े की बात, कलर टीवी है। उस ज़माने में तो हमारे घर में वो बड़े वाले ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, लकड़ी वाले, और ये उस ज़माने में एक्चुअली में प्रोफेशनल यूज़ भी होता था ये, क्योंकि इसमें वीडियो कैसेट रिकॉर्ड्स भी हो जाते थे। इसमें नीचे आगे लिखा हुआ है वीडियो पोर्टेबल वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ये स्क्रीन है जो कि एक CRT स्क्रीन है, यहाँ पे लग जाता है बड़ा वाला कैसेट, वो VHS वाला कैसेट जो होता है। और पावर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, 12 वोल्ट से भी चलता है, 12 वोल्ट की बैटरी भी इसमें लग जाती है, प्लस 12 वोल्ट की अडैप्टर से भी चलता है। ये 250 वोल्ट का ऊपर पावर है। नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कैमरा के, ऑन ऑफ के। नीचे यहाँ पे वर्टिकल होल्ड, मैं सेट टॉप बॉक्स में भी कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और पीछे भी कुछ पोर्ट्स दे रखे हैं, ये तो खुल नहीं रहा है। और बगल में ये क्या है, RF। तो हाँ, इसमें कैमरा के लिए ही कुछ ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये डायरेक्ट ये जो है रिकॉर्डिंग कर लेता था वीडियो कैमरा से, कैसेट रिकॉर्ड हो जाते थे इसमें, तो प्ले भी हो जाता है रिकॉर्डिंग भी हो जाता है। अब ये मुझसे मत पूछना कि ये कहाँ मिलेगा, रिस्टोर किया है, खाली वीडियो दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ कभी था। ये बैटरी है जो सड़ चुकी है, ख़राब है, ये इसमें इनबिल्ट है, तो यानी ये बैटरी से भी चल जाता था। ये इस तरह से अंदर प्लग इन हो जाती थी बैटरी और ये चार्ज हो जाती थी। काफ़ी समय पुरानी चीज़ है, मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको चला के देखा जाए। एक बार पहले भी मैंने इसको चलाया था, चल रहा था, अभी थोड़ी इसकी पिक्चर जो है थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन में है, साउंड वाउंड सही चलती है, स्पीकर है इसमें इनबिल्ट। और ये इसकी बैटरी यहाँ पर मैंने फ़िलहाल में क्लोज़ कर दी है। मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये मल्टीप्लेयर है, यहाँ पे दे रखा है ऑडियो इन ऑडियो आउट, वीडियो इन वीडियो आउट, कैमरा के लिए एक बड़ा सा ही राइट में पोर्ट दे रखा है, और यहाँ पे 12 वोल्ट से भी चल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 250 वोल्ट से भी चल जाता है, 12 वोल्ट से भी चल जाता है, और 12 वोल्ट की बैटरी इनबिल्ट जो ख़राब हो चुकी है। और 1980 जैसे मैंने बताया, इतने सालों के बाद भी ये पोर्टेबल ऐसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन सही बोल रहा हूँ, बहुत भारी है, हल्का नहीं है, कम से कम नहीं तो इसका वज़न जो होगा वो 7-8 किलो तो होगा। यहाँ कुछ और बटन दे रखे हैं, पता नहीं किस चीज़ का, ट्रैकिंग का, तो काफ़ी गजब की चीज़ है। चलिए इसे चला के देखते हैं एक बार कि इसमें क्या टीवी चलता है, देखते हैं। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। तो इन और आउट दोनों दे रखा है, तो ये अच्छी बात है, यानी कि एक सेट टॉप बॉक्स इसमें कनेक्ट करने के बाद में आउट भी ले सकते हैं किसी और स्क्रीन पे या दूसरे टीवी पे। तो मैं यहाँ पे वीडियो और ऑडियो के लिए सिर्फ एक ही है, यानी मोनो चलेगा, स्टीरियो नहीं चलेगा। तो ये अडैप्टर की तार है, और ये दूसरा मैंने अडैप्टर सेटअप बॉक्स पे लगाया है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको चला के इसको। ये देखिए, अब चक्कर ये है कि ये CRT स्क्रीन है तो कलर्ड सही चल रहा है, लेकिन कैमरा में क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अब आपको पता है कि पुराने वाले जो टीवी होते थे कलर टीवी, उसके सामने कैमरा ले जाओ तो लाइन आती है कैमरा पे, तो वही केस हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी कोशिश कर रहा था मैं कि कितनी आपको क्लैरिटी इसकी दिखा सकूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही शाइन कर रहा है। टीवी तो अच्छा खासा चल रहा है, मैंने सेटअप बॉक्स इसमें कनेक्ट कर दिया, जो भी मैंने आपको दिखाया कि वीडियो की तार और ऑडियो की तार मैंने लगाई है, तो टीवी इसमें अच्छा खासा चल रहा है। वॉल्यूम तो मैं अभी आपको यूट्यूब पे सुना नहीं सकता, तो टीवी सही चल रहा है, सेटअप बॉक्स इसमें कनेक्ट हो गया है। बस प्रॉब्लम यह है कि कैमरा में मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ कि एडजस्ट करके कुछ दिखा सकूँ, तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कैमरा में जो है CRT टीवी से रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं होती, आप समझ सकते हैं, तो रियल लाइफ में ठीक है। मेन बात यह है कि काफ़ी पुरानी चीज़ है। मैं देखिए एक बार ना यहाँ पे ये दूसरा मोबाइल का कैमरा ऑन कर रहा हूँ, कैमरे के आगे एक और कैमरा, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी ब्लरनेस जो है वो कम हो जाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए बंद हो गया है, मैं ज़रा इसको एक बार ऑन करता हूँ, फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए कैमरे के अंदर मैंने मोबाइल का कैमरा पकड़ा ताकि फिर भी मैं दिखा सकूँ आपको अच्छे से। ये मैं इसको एक बार यहाँ से, कैमरे से थोड़ा दिक्कत तो होती है, मैं इसको ये ऑन कर रहा हूँ, ये यहाँ से ऑन होता है, ये ऊपर बटन दे रखा है, यहाँ से ये ऑन हो जाता है। तो ये देखिए ये चालू हो गया, तो मैंने कैमरा के आगे मोबाइल का कैमरा खोल दिया। कोशिश ये है कि
एटलीस्ट हम थोड़ी पिक्चर इसकी क्लियरली कैप्चर करके आपको दिखा सके इसकी क्वालिटी कैसी है। फिर भी उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी जो आज की डेट में एलईडी एलसीडी में मिलती है यार। एलईडी का ज़माना है, एचडी 4K का ज़माना है, दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अपने ही चैनल पे। ये बस एक चीज़ है तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ब्राइटनेस के लिए भी यहाँ पे बटन से साइड में मैंने बटन दिखाया था, वहाँ भी ब्राइटनेस का है, यहाँ भी पिक्चर की ब्राइटनेस का है। तो मेन बात यह है कि एक मल्टी फंक्शनल प्लेयर है। आज की डेट में भी अगर VCR का कैसेट होगा, पहले तो वही चलते थे, तो VCR का कैसेट एटलीस्ट मैं इसमें प्ले कर सकता हूँ। प्लस दूसरी बात यह है कि ऑडियो आउट वीडियो आउट है, तो यानी इसमें प्ले करके मैं बड़े TV पे भी देख सकता हूँ। पुरानी चीज़ है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसको चलाते हुए, मुझे काफ़ी खुशी हुई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और हाँ, जो लोग पूछते हैं कमेंट्स में कहाँ मिलेगा, भाई मिलेगा नहीं, वीडियो पूरा देखो। ये खाली मैंने रिस्टोर करी हुई चीज़ है जो आप लोगों के साथ में शेयर की। मैं अभी कुछ और नई नई चीज़ें आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।